यदि a माइनस वन अपॉन ए बराबर बी, b माइनस वन अपॉन बी बराबर सी, c माइनस वन अपॉन सी बराबर ए, तो हमें मान निकालना है वन अपॉन ए बी प्लस वन अपॉन बी सी प्लस वन अपॉन सी ए। सबसे पहले हम a माइनस वन अपॉन ए बराबर बी, b माइनस वन अपॉन बी बराबर सी और c माइनस वन अपॉन सी बराबर a, तीनों को लिख लेंगे और जोड़ देंगे। यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ही कैंसिल हो जाएंगे और हमें वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी का मान शून्य प्राप्त हो जाएगा। अब तीनों ही समीकरणों को दोबारा लिखेंगे। a माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू बी, बी माइनस वन अपॉन बी इक्वल टू सी, सी माइनस वन अपॉन सी इक्वल टू ए। अब तीनों को ही वर्ग कर देंगे। यहाँ हो जाएगा a माइनस वन अपॉन ए होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, b माइनस वन अपॉन बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सी माइनस वन अपॉन सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। पुनः तीनों को जोड़ देंगे वर्ग वाले, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू ए वन अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस टू बी इंटू वन अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर माइनस टू सी वन अपॉन सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ए कैंसिल, बी और बी कैंसिल, सी और सी कैंसिल। वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर माइनस टू माइनस टू माइनस टू इक्वल टू सिक्स। समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब हम वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी बराबर शून्य समीकरण नंबर 1 का वर्क कर देंगे होल स्क्वायर। सो वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस टू अपॉन ए बी प्लस टू अपॉन बी सी प्लस टू अपॉन सी ए बराबर 0 है। वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर का मान 6 है। 6 प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे। वन अपॉन ए बी प्लस वन अपॉन बी सी प्लस वन अपॉन सी ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6 उधर जाएंगे और 2 से भाग कर सकते हैं। वन अपॉन ए बी प्लस वन अपॉन बी सी प्लस वन अपॉन सी ए इक्वल टू -3।